नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आई होप आप बहुत ही स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही एक हॉट टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, वो है हर स्टूडेंट की, हर पेरेंट्स यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे अब्रॉड जाए, भले ही वो एजुकेशन के लिए जाए या फिर वहीं जॉब करे और वहीं पर सेटल हो जाए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिससे हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि बच्चे का योग हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड में है या नहीं, या अगर जॉब के लिए अगर आप खुद भी जाना चाहते हैं तो आपके चार्ट में या न्यूमरोलॉजिकली आपके भी इस तरह के कोई योग है या नहीं। तो आज मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपके बच्चे के या आपके कोई भी, जो कोई भी विदेश जाना चाहता है तो उसके कैसे योग हम देखते हैं, उनके योग हैं या नहीं। एक और वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी, उसमें मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए आपसे शेयर करूंगी कि आपके चार्ट में विदेश जाने के योग हैं या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है, जिस चीज को हम देखते हैं, वो होता है हमारा मूलांक। मूलांक मीन्स जो भी आपका बर्थ डेट है। सपोज आपका 2 तारीख आपका बर्थ डेट है तो आपका मूलांक हुआ 2। तो 1 से लेकर 9 अंकों तक का जो भी कोई बर्थ डेट आता है वो होता है हमारा मूलांक। लेकिन फिर कई लोग बोलेंगे कि हमारा तो इस डेट में है ही नहीं, हमारा तो सपोज 15 है 15 है बर्थ डेट, तो उसका हमें मूलांक निकालना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, 15 1+5 = 6 मीन्स आपका मूलांक हुआ 6। इसी तरह से अगर आपका 23 आपका मूलांक हुआ तो 2+3 = 5, तो आपका मूलांक हुआ 5। मीन्स हमें जो भी हमारा नंबर है 1 to 31 के बीच में जो भी हमारा बर्थ डेट पड़ता है, तो 1 से 9 तक तो हमारा मूलांक ऑलरेडी है ही। सपोज हमारा 10 से लेकर 31 तक अगर कोई भी हमारा बर्थ डेट आता है तो हमें उस प्लस कर लेना है और जो भी नंबर आता है वो हमारा मूलांक होगा, राइट? तो जब भी हम विदेश जाने की बात करते हैं तो मूलांक को देखते हैं। बहुत आसानी से आप भी देख सकते हैं कि योग है या नहीं। तो जो विदेश जाने वाले बच्चे होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी, जिसे हम हाई प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिन लोगों के लिए होती है वो होती है नंबर 6 के लिए। नंबर 6 को गवर्न करता है वीनस, शुक्र। शुक्र आपको बाहर ले जाता है कोई भी वेस्टर्न कंट्री में, मीन्स ओवरसीज लेकर जाता है। तो अगर आपका नंबर, बर्थ नंबर, मूलांक नंबर 6 आ रहा है, या सपोज 2+4 = 6 इस तरह से आ रहा है, 1+5 = 6 ऐसा भी कोई नंबर आ रहा है, मीन्स अगर आपका बर्थ डेट 6 है 15 है 24 है, तो आप मान कर चलिए, या अगर आपके बच्चे का या आपके स्पाउस का भी ये नंबर है तो आप मान कर चलिए कि उनको अब्रॉड जाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और वो अगर ट्राई करते हैं तो बिल्कुल वो वहाँ चले जाएंगे। प्लस अब्रॉड जाना ही एक गोल नहीं होता, वहाँ जाकर आपको अगर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो एजुकेशन में सक्सेस मिलना चाहिए और उसके बाद आपको वहाँ पर जॉब भी मिलना चाहिए। तो 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो कोई भी विदेश में जाकर बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अब वो किस कंट्री में जा सकते हैं ये एक अलग टॉपिक है, मैं इसके लिए भी आपसे एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अब मानिए अगर 6 नंबर बहुत कम लोगों का आता है तो बाकी लोग क्या करें? तो दूसरा जो नंबर, हाई प्रोबेबिलिटी नंबर होता है विदेश जाने के लिए, वो होता है नंबर 5। नंबर 5 को गवर्न करता है मरकरी या बुध, जो खुद ही बहुत मूवमेंट देता है। अगर आपका भी मरकरी वाला नंबर है, मीन्स 5 नंबर अगर आपका आ रहा है, तो आप भी मानकर चलिए कि आपको भी जीवन में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं जिनका बर्थ डेट 5 है, मीन्स मूलांक 5 हुआ, या 1/4 14 अगर जिसका बर्थ डेट है, या 2/3 23 अगर किसी का बर्थ डेट है तब भी 5 नंबर हुआ। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनका मूलांक 5 आ रहा है, उन लोगों को भी विदेश जाकर बसने के, विदेश में जाकर पढ़ने के, वहीं पर अर्न करने के एंड देन सेटलमेंट के भी बहुत ज़्यादा योग होते हैं। तो अगर आपका भी कोई भी नंबर इस तरह का आ रहा है 5 और 6, तो आपको बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपने अभी तक एफर्ट नहीं किए हैं तो आप ज़रूर एफर्ट करिए। तीसरा जो नंबर होता है वो है नंबर 4।
जिसके साथ जुड़े होते हैं विदेश जाने के योग। अगर आपका भी नंबर 4 है बर्थ डेट या 13 है 1313 ओके 22 है या 31 है तो भी आपके विदेश जाने के बहुत अच्छे योग हैं। अब कई बार ऐसे होता है कि 4, 5 और 6 ये जो नंबर है इसके लोगों को विदेश जाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज होती है, लेकिन आपका इन तीनों नंबरों में से कोई भी नंबर नहीं आ रहा है तो इट डजेंट मीन कि आपको विदेश जाने की नहीं मिल सकती अपॉर्चुनिटी। इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि सपोज आपके स्पाउस में आपका या आपकी वाइफ या अगर आप महिला है तो आपके पति का अगर इसी तरह का कोई नंबर आ रहा है तो आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का कोई ऐसा नंबर है, कोई भी बच्चे का आपका ऐसा नंबर आ रहा है और आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप अपने बच्चों के थ्रू भी विदेश जा सकते हैं। तो देखिए अपना मूलांक कि कहीं वो 4, 5 या 6 तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है और आप या आपके बच्चे कोई भी विदेश जाना चाहते हैं, भले वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या कैरियर के लिए जाना चाहते हैं, जिस किसी भी चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, उनको ज़रूर अफर्ट करना चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अब्रॉड में जाके एजुकेशन ले सकते हैं, वहीं पर जाके सेटल हो सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, साथ में काम का भी लगा होगा। मेरे इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो जब भी मेरा कोई वीडियो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री या न्यूमरोलॉजी आएगा तो आप पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, नमस्कार।